इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। जिले में बाढ़ के दौरान फसल क्षति के लिए चल रही विशेष गिरदावरी का आकलन करने के लिए उपायुक्त साक्षी सहानी जी ने आज क्षेत्र का दौरा किया। इस अवसर पर जिला राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर गुरनाम सिंह, एक्सियन ड्रेनेज राजेंद्र घई सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने पटियाला जिले के राजपुरा और घनौर इलाकों के गांव लोह सिमली, जमीतगढ़ और दारवा का दौरा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सर भगवंत मान स्वयं गिरदावरी के चल रहे कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों द्वारा गिरदावरी का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है तथा कार्य पूर्ण होने पर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का धान खराब हो गया, उन्हें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 5 अगस्त के बाद PR 126 और Basmati 1509 किस्म का चावल मुफ्त उपलब्ध कराएगा। उन्होंने किसानों से कृषि विभागों के संपर्क में रहने का आग्रह किया। उपायुक्त साक्षी सहानी जी ने कहा कि घनगर के साथ लगते कुछ इलाकों में घनगर के जरिए मिट्टी भी खेतों में आ गई, जिससे किसानों को फसल लगाने में दिक्कत आ सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की टीमों द्वारा ऐसी जमीनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि स्थानीय समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का आदेश है कि किसानों को हुए नुकसान का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए और जिला प्रशासन भी युद्ध स्तर पर निगरानी का काम कर सके ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सरकार को भेजी जा सके। गांव में गिरदावरी के काम की समीक्षा के मौके पर किसानों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर साक्षी सहानी जी ने कहा कि पंजाब सरकार आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान लोगों ने जिला प्रशासन का पूरा सहयोग किया और प्रशासन भी पीड़ितों की मदद के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। आज एक्चुअली साड़ी जिस तरह स्पेशल गिरदावरियाँ भी शुरू हैगी तो मैं अपनी इंस्पेक्शन करन आई सी कि किस तरह गिरदावरी का काम चल रहा है। मैंने खुशी है कि पटवारी साहिबान सारे अपने जोड़ा हैगा काम कर रहे हैं। नाले कुछ जिदा योजे खेत ने जिथे घग्गर की मिट्टी भी नालों ले आई सी तो उन्होंने का भी असं जायजा लै रहे हैं कि किन्ना मिट्टी इन्हों की खेत च आ गया, जिस करके अगली फसल जी बीजन से भी थोड़े किसान औखे हो सकते हैं। उन्होंने जिहड़ी औखियाई है वह भी असं किस तरह कटाइए, वो मैं अज एग्रीकल्चर की टीम भी नाल लैके आई हैं। साड़ी यह एफर्ट है जिदा CM सर के हुक्म ने कि वध तो वध जिहड़े किसानां दा जो भी नुकसान होया उहदी भरपाई होवे, नाले असी कोई ना कोई इन्हां नूं हल भी कढ के देईए जिथे हो सके। असी पूरे ज़िले के विच पौध भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 1509 दे, ते जेकर किसी भी किसान नूं इह चाहिए ने असी सारी सरकारी जमीन जिन्नियां भी वेलियां सीगियां उत्थे 1509 दे दो बैच जिहड़े आपां ऑलरेडी लगा चुके हैगे हैं, कुछ किसानों नूं आपां दे भी चुके हैं। एक बैच जिहड़ा है वह 5 तक अवेलेबल होगा, एक 8 या 9 तक तैयार हो जाएगा। सो जिदा अपनी यूनिवर्सिटी की भी आई है कि तुसीं 10 या 12 तक लगा सकते हो तो तुहाडी पूरी फसल हो सकती है, तो मैं किसानों नूं यही कहांगी कि 1509 दी जिहड़ी पौध है सरकार तुहानूं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, सो ओहदा तुसीं जरूर लाभ। ते मैडम जिहड़ी इत्थे बन टुट्टिया हैगा, इत्थे मिट्टी की कमी आ रही हैगी आ, इत्थे जिमीदार अपनी मिट्टी पट्टन नहीं दे रहे, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਿੱਟੀ ਸਰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਬੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ੋਰੋ ਸ਼ੋਰੋ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਫਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਰ ਖਬਰ ਕੋ ਜਾਣਨੇ ਕੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।
फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।